गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। आफ्टर ए डे मैं फिर से आप लोगों से मिल रही हूँ। होप आप लोग भी ठीक ही होंगे। मैं तो ठीक हूँ। कल मैंने व्लॉगिंग करने की कोशिश की थी। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि इतना बिजी शेड्यूल होता है एंड इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि ऐसा हो जाता है कि वक्त ही नहीं मिलता कि मैं अपने फ़ोन उठा के वीडियो भी करूँ। हालांकि लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन ऐसा होता है कि सब कुछ दिखाया नहीं जाता और जो दिखाया जाता है उसका व्लॉगिंग करने का वक्त नहीं होता। तो ऐसा ही कल भी मैंने शुरू किया था व्लॉग एंड फिर आगे जाके जाके नहीं हुआ क्योंकि मैं फुल बिजी हो गई। एंड फिर जब रात को 10 बजे मुझे याद आया, है तूने तो व्लॉगिंग की ही नहीं अच्छे से, फिर मैंने सोचा कि चल छोड़ो अभी कि अभी छोड़ दे, अभी व्लॉगिंग नहीं हुआ तो अभी क्या ही कर सकते हैं, कल करना तो एक दिन मिस होने से कुछ नहीं होगा, ऐसा मैंने सोचा। क्योंकि मैं ना ऐसी हूँ कि जो भी मुझे दिल करता है मैं वही करती हूँ। अगर मुझे दिल नहीं कर रहा है कि मैं नहीं करूँ व्लॉग तो मैं नहीं करूँगी। अगर मुझे दिल करेगा मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, मैं खुद का वो करूँगी करूँगी कि मुझे व्लॉग करना है तो करना ही है, मुझे कुछ और करना है तो वो करना ही है। और मेरे घर वाले भी उसके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं कि चल अपनी मन की ही कर ऐसा। तो फिर मेरा है ही ऐसा, कल ऐसा हुआ तो फिर छोड़ो अभी क्या ही है ना। तो वो सोच के मैंने कैंसिल कर दिया। तो लेकिन आज मैं कैंसिल नहीं करना चाहती थी, कल जो किया उसके लिए मुझे खुद ही रिग्रेट फील हो रहा था कि क्यों ऐसा क्यों किया तूने, क्यों किया। तो आज सुबह मैंने फ़ोन उठा लिया, अभी बज रहे हैं 7:50 हो रहा है होगा क्योंकि अभी 40 को ही मेरा ट्यूशन ख़त्म हुआ है। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद आज मैंने मॉर्निंग ट्यूशन की है। क्या कहते हैं कि ट्यूशन ऐसे तो इवनिंग कर रही थी, आज एक्चुअली घर पे ना मिस्त्री आने वाला है, थोड़ा सा हमें काम है घर पे करने के लिए, इसके लिए मैं सुबह सुबह आ गई थी। और जब सुबह आ ही रही थी सुबह उठना ही था तो ट्यूशन भी कर ही लेते हैं क्योंकि एक ही ट्यूशन था आज, अभी कर लिया तो अभी मैं फुल फ्री हूँ, ट्यूशन से फ्री हूँ। एक्चुअली काम से तो मेरे इस ज़िंदगी में पता नहीं मैं इन फ्यूचर फ्री हो पाऊँगी कि नहीं, अभी तक तो भगवान ने इतना ज़्यादा जिम्मेदारी दे के रखा है कि अब मुझे बिजली से लेकर मतलब पानी तक और पानी से लेकर खाना तक और इसके अलावा भी कुछ रह जाता है तो उसका भी ध्यान रखना ही पड़ता है। मतलब कभी कभी लगता है इतना मेहनत क्यों करवाते हैं भगवान। मतलब सब कुछ करना पड़ता है, इनकम भी करो और सब सब मैनेज भी करो, घर के काम भी करो और मर्दों वाले काम भी करो, औरत के काम भी करो, इतना कुछ एक ही मतलब देवी जैसा फील होता है कि भगवान के 10 हाथ थे, मेरे को 2 दिए हैं लेकिन 2 से ही 10 मतलब अलग अलग का काम करना पड़ता है। अभी याद आया कि बिजली का बिल भी देखना है मुझे। पता नहीं ये आसाम का जो ये सिस्टम है आजकल प्रीपेड रिचार्ज करने का, उस पे ना क्यों नोटिफिकेशन नहीं देते। आप इतना बिजी रहते हो उसके बाद आप एक दिन फ़ोन उठा, हर 2 दिन में फ़ोन उठा के देखो कि आपका बिल ख़त्म हो गया क्या, क्या एक मैसेज वो दे सकते हैं ना इनसफिशेंट बैलेंस का, वो उतना भी नहीं कर सकते। इतना पैसा खाते हो एक मैसेज का पैसा नहीं ले सकते। अभी ना मुझे बहुत दिनों से ये बात करनी थी, आज बोल ही दिया, दिल में था और दिल में मैं नहीं रख सकती थी। आप लोग अगर थोड़ा सा आप लोगों का पहुँच है तो बताओ कि इनको एक मैसेज तो वो दे ही सकते हैं कि तुम्हारा बिल ख़त्म हो गया है, इतना नहीं कर सकते हो आप लोग। हम लोग इतना पैसा भरते हैं यार, अच्छी बात नहीं है। चलो मैं ड्रेस चेंज करती हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में मिस्ट्री आ जाएगा, तो मैं ड्रेस चेंज करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से ब्लॉग पे तो आज मिलती ही रहूँगी, बने रहिए। हेलो, सो मिस्ट्री आया भी था, मिस्ट्री काम भी किया, मिस्ट्री चला भी गया क्योंकि मैं अकेली थी और घर के अंदर काम हो रहा था तो थोड़ा सा मुझे चौकन्ना रहना पड़ रहा था, तो आप लोगों से नहीं मिल रही थी। अभी मिस्त्री विस्त्री चले गए हैं तो मुझे अभी बिस्तर ठीक करना है। घर पे मैंने झाड़ू लगाया है और एक बार लगाऊंगी, साफ़ सुथरा करके रखूंगी, देन हम जाएंगे दादी के घर और कहाँ ही जाएंगे। आप लोग यहाँ रुको, आप लोग यहाँ रुको, तब तक मैं बिस्तरिया लगा लेती हूँ। हो गई मैं फिर से रेडी और फिर से जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 1:00 और मैं अभी फिर से जा रही हूँ दी के घर।
पूरा घर के काम हो गया, सब कुछ हो गया, मैं भी रेडी हो गई, चलो जाते हैं। हेलो, मैं आ चुकी हूँ घर पे। और आते ही कुछ नहीं, मैं ना कुछ कुछ की, और अभी फिलहाल बैठी हुई हूँ, खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ है। 12 हो रहा है। और मेरा क्या है, मैं बैठी हुई हूँ, कुछ खास नहीं, पता नहीं कुछ बोलना था ऐसे, लेकिन मैं भूल गई कि मुझे क्या बोलना था। तो अभी वेट करते हैं, याद करते हैं, याद करते करके आप लोग से मिलूंगी। मुझे क्या बोलना था वो तो मुझे याद नहीं आया, बाकी तो वो सोचते सोचते थोड़ी ना टाइम पास करेंगे। कल पता वो तो मैं भूल गई, कल क्या हुआ पता है, ऐसे देखने से इधर पे मच्छर जैसा लगता है ना, एक्चुअली ये मच्छर नहीं है, ये मेरे को अंदर ही अंदर पिंपल जो होता है, पिंपल हुआ, बाहर पे कुछ भी नहीं है, लुक अंदर ही अंदर पिंपल होता है। और कल किसी ने मुझे बोला तुम्हारे गाल पे मच्छर, एक थप्पड़ लगाई, फिर तो मच्छर तो नहीं था, कुछ ही थप्पड़ खा ली। और अभी मम्मा, मेरे मम्मा खाना दे रही है, खाने में आज बना है अंडा, अंडा तो अंडा खाना है, क्या बना है दिखाती हूँ उनको, अंडा करी, ये देखो बना है क्या, अंडा करी। हेलो गाइस, चाय पे सरचा पे आपको स्वागत है, शायद इधर से जा रहा होगा, बहुत दिनों के बाद जीजू लाए हैं, तेरे मेरे बहुत दिनों के बाद नहीं, बहुत दिनों के बाद हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। एक प्लेट खा लिया, ऐसा नहीं, ये वाला खा लिया, ये प्लेट और ये जीजू का खाना हो गया, कितना खाते हैं, मेरा सिर्फ एक पैकेट अभी खोला। फिर जो नहीं चलाने से पहले खा लिया एक पैकेट, रख लिया एक मैं पैकेट, खाती हूँ, देखो खाने भी नहीं देता है। एक पैकेट मैं ला दूँ, मेरे से चालाक हूँ मैं, मैच की टीचर हूँ, मेरे से चालाक और मैं मैच का स्टूडेंट हूँ। रात के बज रहे 9:30, और तब से मैंने क्या क्या मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, तो तब से मैंने पहला तो ये क्या है, ये है गुड़ा हंडो, जो कि शाम से चाय पीने के बाद से एक्चुअली मैंने इसको ही किया है, मम्मी ने इसको पूरा एसएमएस में गुड़ा हंडो, मैं एसएमएस बोल रही हूँ इन इंग्लिश, आप लोगों को तो पता ही है ये क्या है, राइस फ्लावर, बट ये दूसरे काइंड ऑफ राइस फ्लावर होता है जो हम लोग चाय के साथ खाते हैं, उसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल्स बताना बिल्कुल नहीं चाहती। तो शाम से मैं ये कर रही थी, साथ में मम्मी बना रही है खाना, खाने में आज मम्मी दिखा रही है कि खाने, मम्मी ऐसा खाना बना रही है कि तेल किचन से बाहर आ चुका है, तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम उधर से जाओ नहीं तो मुँह पे गिरेगा, तो मैं छोटी छोटी दिखाती हूँ दूर से। तो यहाँ पे मम्मी कुछ बैंगन का बना रही है, अपना खुद का रेसिपी देखो। और यहाँ पे क्या है मम्मी, एक बार को आप ये बता देंगे क्या, ये मटर आलू और बहुत कुछ मिला के फिश बिरयानी, और ये भी फिश का ही कुछ डिश है, सो इन शॉर्ट फिश फिश और फिशी बन रहा है डिफरेंट टाइप से, तो बनते रहना रहने देते हैं, और हमें तो खाने से मतलब है। मैं बहुत गंदी भी हुई हूँ, अभी मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करना है, और यही मेरी ज़िंदगी है, बाकी कुछ खास नहीं। खाना बन जाए तो मैं ये भी दिखाऊंगी जो मम्मी बना रही है, वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और तभी ब्लॉग का एंड करेंगे। मैं हेयर ऑयल लगा के आती हूँ। और देखो आज मम्मी ने ये बैंगन काफी जो बना रही थी ये वाला, तो एंड ये फिश जीजू का परफेक्ट थाली,
और गाइस ये लोग शुरू कर दिए हैं तो मैं भी करती हूँ, और मैंने हेयर ऑयलिंग भी कर लिया है। मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।